क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जिस प्रकार खेल में अनिश्चितता होती है, उसी प्रकार क्रिकेट के खिलाड़ियों का करियर भी अनिश्चितताओं से भरा होता है। ऐसे ही क्रिकेट खिलाड़ी हरप्रीत बरार है, जो क्रिकेट की अच्छी प्रतिभा होने के बावजूद भी अपने क्रिकेट करियर में आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हरप्रीत बरार 2 साल से किंग्स 11 पंजाब टीम का हिस्सा रहे हैं। हरप्रीत एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो बाएं हाथ के शानदार बल्लेबाज और बाएं हाथ से गेंदबाजी भी करते हैं। चलिए जानते हैं हरप्रीत बरार के जीवन परिचय के बारे में। हरप्रीत बरार का जन्म 16 सितंबर 1995 में पंजाब के मोगा नामक गांव में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे हरप्रीत को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और देखने का शौक रहा है। बचपन में ये घर में ही क्रिकेट खेला करते थे, जिसके कारण इन्हें घर वालों की डांट भी सुननी पड़ती थी। हरप्रीत ने 10 साल की आयु से ही क्रिकेट का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया था। इनकी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी रुचि थी, जिसने इन्हें एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बनाया। चलिए जानते हैं हरप्रीत बरार की एजुकेशन के बारे में। क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को परख कर उनके घर वालों ने क्रिकेट में करियर बनाने के लिए हरप्रीत का पूर्णतया सहयोग किया। इसके लिए वो अपने गांव से चंडीगढ़ आकर रहने लगे, जहां उन्होंने स्कूल कॉलेज के साथ साथ क्रिकेट की कोचिंग भी लेना प्रारंभ किया। हरप्रीत की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा चंडीगढ़ में संपन्न हुई। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई SD कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी हुई। चलिए जानते हैं हरप्रीत बरार के क्रिकेट करियर के बारे में। ऑलराउंडर हरप्रीत बरार ने अपने घरेलू क्रिकेट की शुरुआत पंजाब के इंटर स्टेट टूर्नामेंट के माध्यम से की। पूरे टूर्नामेंट में हरप्रीत का नाम विकेट लेने वालों में सबसे ऊपर ही रहा। इस टूर्नामेंट में हरप्रीत के प्रदर्शन ने उन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ने में मदद की। कुछ समय बाद जब उन्हें टीम से बाहर किया गया, तब उनके सीनियर खिलाड़ी गुरमीत सिंह ने उन्हें मोहाली की टीम में जगह दिलवाने में उनकी मदद की। मोहाली की टीम का हिस्सा रहते हुए हरप्रीत ने अंडर 16 टीम में पदार्पण किया। अंडर 16 टीम में उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें काफी संघर्षों से गुजरना पड़ा। उन्हें किसी भी बड़ी टीम में स्थान नहीं दिया गया, उनकी उपेक्षा हुई, जिसके कारण उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और अपने प्रयास को जारी रखा। कुछ समय बाद हरप्रीत बरार ने 23 वर्ष की उम्र में अंडर 23 के रूप में लिस्ट 1 क्रिकेट में पदार्पण किया। शुरुआत में वो इसमें कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 2018 में हरप्रीत पंजाब की तरफ से नायडू ट्रॉफी का हिस्सा बने। इसमें उन्होंने हर मैच में लगभग 30 से 40 रन बनाए। चलिए जानते हैं हरप्रीत बरार के IPL क्रिकेट करियर के बारे में। हरप्रीत के IPL सफर की कहानी बहुत धैर्य और कठोर तप की रही है। उन्होंने कई बार IPL में ऑडिशन दिए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अंत में उन्होंने कनाडा जाने का फैसला किया, परंतु उस अंतिम समय में ही उनके लिए खुशखबरी आई। 2019 IPL सीजन में किंग्स 11 पंजाब ने हरप्रीत बरार की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें अपनी टीम में जगह दी। किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें नीलामी में 20 लाख में खरीदा। हालांकि इस सीजन में उन्होंने 2 मैच ही खेले। हरप्रीत ने अपना पहला IPL T20 मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला। किंग्स 11 पंजाब ने हरप्रीत बरार को IPL 2020 सीजन के लिए अपनी टीम में बरकरार रखा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।